गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल्ड प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchughca.com पे विजिट कर सकते हैं। सो आइडली अमन चुग CA.com। आइडली ये जो ऑडियो है ये काफ़ी क्वायरीज आ रही थी मुझे काफ़ी ग्रुप्स पे एंड दिस वॉज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डॉलर रुपी कि अल्टीमेटली डॉलर रुपी में क्या ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। पिछले 5 साल का डाटा अगर हम उठा के देखें तो पहले भी 69 था और आज भी 69 पे है। तो एज अगेंस्ट अदर करेंसीज इसका मतलब रुपी क्या बेटर स्टेबल रहा एंड रुपी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड इसके ऊपर आई थॉट आई शुड एड सर्टन कंट्रीब्यूशन वॉट एवर लिटल नॉलेज आई हैव। सी पहले तो फंडामेंटली आप ये समझिए कि ये जो शीट है ये शीट एब्सर्ड शीट है। इसको मैं एब्सर्ड इसलिए बोलूँगा बिकॉज इसमें कई तरह की करेंसीज हैं। वाइल इसमें पाकिस्तानी रुपी है, इजिप्शियन करेंसी ऑल दो उसको डॉलर बोल रखा है, ऑल दो इजिप्शियन दिनार बोलते हैं उसको, एंड देन टर्किश लीरा है, उसके अलावा देन वी हैव यूरोज, पाउंड्स भी है, डॉलर भी है, चाइनीज युआन भी है। ये सारी करेंसीज आपस में नॉन कंपेरेबल हैं बिकॉज ये करेंसीज आपस में कंपेयर इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज इनमें से कुछ करेंसीज पेग्ड करेंसी हैं जो कि नॉर्मली फिक्स रहती हैं अगेंस्ट डॉलर या अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। सो नॉर्मली वर्ल्ड की जो करेंसीज होती हैं वो पैक्ड यानी कि फिक्स रहती हैं पर्टिकुलरली अगेंस्ट डॉलर, जैसे कि चाइनीज युआन है, कुवैती दिनार है, एंड कुछ करेंसीज पार्शली कन्वर्टेबल होती हैं जैसे कि इंडियन रुपी है, ये यानी कि फिक्स नहीं रहती मगर कभी कभी इंटरवेंशन इनका सेंट्रल बैंक करता है, यानी कि RBI कभी कभी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है। एंड फिर कुछ करेंसीज होती हैं जो फ्रीली कन्वर्टेबल होती हैं जैसे यूरोज है, पाउंड्स है, ये डॉलर है, येन है, जैपनीज येन, साइडली ये फ्रीली कन्वर्टेबल होती हैं और इसमें नॉर्मली सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता, यानी सेंट्रल बैंक का कोई रोल प्ले नहीं होता है इनकी करेंसी को कंट्रोल करने में। सो यानी कि ये जो एक्सेल शीट है जिसमें हम सारी करेंसीज को कंपेयर कर रहे हैं ये सारी करेंसीज नॉन कंपेरेबल है क्योंकि कुछ पेग्ड हैं, कुछ पार्शली कन्वर्टेबल है और कुछ फ्रीली कन्वर्टेबल हैं। सो आइडली एक्सेल शीट एक तरह से दिखा हुआ है, ये एक तरह से इनफैक्ट वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड अगर परफॉर्म ना कर रहा हो और अगर उसको दिखाना हो कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर ऐसा पीरियड ले लेगा जिस पीरियड के दौरान लोएस्ट पॉइंट उठा लेगा, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, जिसके कारण रिटर्न दिख जाएगा। सो यानी कि करंटली अगर आप देखें करंटली इस टाइम पे कई म्यूचुअल फंड कंपनीज या कई स्टॉक्स अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐसा आंखों में धूल झोंकने के लिए पर्टिकुलरली कुछ पीरियड्स को स्पेसिफाई करके ले रहे हैं ताकि लोगों को परफॉर्मेंस दिखे। सो यानी कि एक तरह से ये दिखाने पिक्चर क्या दिखानी है उसके हिसाब से ये शीट को मॉडिफाई किया गया है, जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट या किसी भी कोई भी शीट हो सकती है, इट कैन बी एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसको रोजी रोजी दिखाना है, जिसको ब्यूटीफुल दिखाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड बहुत बढ़िया वाला लिया जा सकता है, जैसे कि इन्होंने भी 5 साल का पीरियड लिया 2013 से 2018। यही अगर हम 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में आप देख सकते हैं कि आइडली 7-8% की या 10% ऑलमोस्ट की डेप्रिसिएशन रुपी में हो चुकी है। सो अगर हम 1 साल में देखेंगे तो हम कहेंगे बहुत ख़राब हुआ रुपी का परफॉर्मेंस, एंड अगर हम 5 साल में देखेंगे हम कहेंगे नहीं नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज जस्ट एन एक्सेल शीट जिसके परफेक्ट पीरियड लिए गए हैं पिक्चर बढ़िया दिखाने के लिए। सो आइडली मैं शायद यूँ कहूँगा कि पहले अंडरस्टैंड यूँ करते हैं कि करेंसी एप्रिसिएशन या जो डेप्रिसिएशन है ये कभी भी अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी करेंसी कोई डेप्रिशिएट करती है तो ख़राब है या करेंसी एप्रिशिएट करती है तो वो ख़राब है, या वैसा वर्षा कि करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो अच्छा है और करेंसी एप्रिशिएट करती है तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। आइडली करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी होता है एंड होना भी ऐसा ही चाहिए। जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे चाइना है, चाइना मेजरली एक्सपोर्ट करता है, सो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सरप्लस होता है। सो सिंस चाइना मेजरली एक्सपोर्ट करता है उसके लिए फायदेमंद है कि चाइनीज युआन हमेशा डीवैल्यूड रहे यानी कि डेप्रिशिएटेड रहे, एंड इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना हमेशा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है जिसके कारण US परेशान होता है और US बार बार उसको कहता है कि आप डीवैल्यू करके अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके अपने आप को ज़्यादा बेटर दिखा रहे हो वर्ल्ड की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, जिसके कारण US हमेशा परेशान रहता है एंड चाइना की डीवैल्यूएशन के कारण हम इंडिया भी एंड बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी परेशान रहती हैं।
सिमिलरली यही अगर हम इंडिया का केस लें तो इंडिया के केस में हम सिंस नेट इम्पोर्टर हैं, हमें मेजरली ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे लिए रुपी डेप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मगर ज़्यादा रुपी एप्रिसिएशन भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर रुपी ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाएगा तो एक्सपोर्टर्स अल्टीमेटली एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव नहीं रहेगा. सो वाइल चाइना का अगर युआन डेप्रिशिएट हो जाए और इंडिया का रुपी एप्रिशिएट हो जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर्स काम नहीं कर पाएंगे एंड हमारे पास इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं वो अल्टीमेटली मेजरली एक्सपोर्टर्स के कारण ही इकट्ठे हो रहे हैं. तो अगर हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं होएगा, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकट्ठे नहीं हो सकते एंड इंडिया की हालत नहीं तो ख़राब हो जाएगी. सो एज ऑन डेट हमारे पास अंदाजन $400 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि पॉसिबल तभी हो पाया बिकॉज हमारे एक्सपोर्टर्स कम्पिटिटिव हैं एंड इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स कम्पिटिटिव हैं बिकॉज रुपी भी डेप्रिशिएट किया है, जैसे कि चाइनीज युआन भी डेप्रिशिएट किया है. सो हमेशा कोई भी करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से नहीं पहचानी जाती कि एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट अच्छी बात है बुरी बात है, बट मेजरली उसका कंट्री के ऑब्जेक्टिव को एक तो देखना चाहिए एंड दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी करेंसी वर्ल्ड की अगर ज़्यादा वॉलेटाइल होगी यानी कि ज़्यादा हिलेगी तो वो दिक्कत खड़ी कर सकती है उस इकोनॉमी के लिए. इससे फॉर एग्जांपल अगर आज 69 है और कल को 67 हो जाए और फिर एक हफ्ते के बाद फिर 65 हो जाए और फिर 65 के एक हफ्ते के बाद लेटर से फिर दोबारा 67 हो जाए तो इसको हम बहुत वॉलेटिलिटी बोलते हैं. तो ज़्यादा वॉलेटाइल अगर कोई भी करेंसी रहेगी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास बहुत वॉलेटाइल रहेगा तो मार्केट में बहुत परेशानी होती है इन्वेस्टर के लिए. तो सिमिलरली अगर डॉलर रुपी भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हेज नहीं कर सकते, जिसको हमने MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत 4th semester में कि हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव्स यूज़ होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यूज़ होता है. तो अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी तो एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स प्रॉपरली अपनी हेजिंग नहीं कर पाएंगे. सो अगर कोई देश अपनी करेंसी को कम वॉलेटाइल कर दे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड सो वॉलेटाइल और मूवमेंट में फ़र्क है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉलर रुपी में अगर मूवमेंट हो मगर वॉलेटिलिटी कम हो फिर कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि अगर डॉलर रुपी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year लेट से आराम आराम से 65 से 70 चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, 70 से वापस 65 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आराम आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने का नॉर्मली एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट साइकिल होता है. सो 1, 2 या 3 महीने में ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो आराम से एक्सपोर्टर अपने आप हेज कर सकता है एंड वो कॉस्ट को अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले सकता है. मगर अगर 1 या 2 महीने या 3 महीने में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी तो वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसके लिए मैंने ये बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूवमेंट हो जाए करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर वॉलेटिलिटी रहेगी करेंसी में तो वो दिक्कत है. सो रघुराम राजन जी एंड मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा अश्योर किया था FIIs एंड FDIs एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कि हम इंडियन रुपी को ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने देंगे, मगर मूवमेंट तो डेफिनेटली इंडियन रुपी में रहेगी. सो जिसके कारण मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि FIIs एंड FDIs जब इंडिया में पैसा लगाते हैं तो ये कहते हैं कि जब हम लगाते हैं तब तो रुपी अप्रिशिएट होता है और जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है, जिसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट्स नुकसान में हो जाती हैं. तो उसके ऊपर रघुराम राजन जी ने सारे बैंक्स को ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं इंडियन बैंक्स थे उनको इन्वाइट किया था एंड उनको ऐसा कहा गया था, प्रेशर किया गया था कि अल्टीमेटली आप रुपी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे बिकॉज मेजरली बैंक्स के जो ट्रेजरी प्लेयर्स होते हैं वो कई बार स्पेकुलेटिव पोजीशंस भी ले लेते हैं, जिसके कारण रघुराम राजन जी ने उनको खींचा था कि आप स्पेकुलेटिव पोजीशंस कम से कम लेंगे एंड रैदर नहीं लेंगे, जिसको मैं टेक्निकली इस ऑडियो में नहीं समझा सकता बिकॉज उसके ऊपर एक अलग एक पूरा ज्ञान वाला सेशन होना चाहिए. सो जैसे कि मैं खुद एक ट्रेजरी बैंकर रहा, जोनल हेड रहा ICICI बैंक ट्रेजरी के लिए, सो अल्टीमेटली ऐसा हमें ऐसा हिदायत दी जाती थी, हमें टॉप मैनेजमेंट ऐसा कहा जाती थी कि ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना. सो सिमिलरली अल्टीमेटली अब सिंस ऐसा अश्योर किया गया था मोदी गवर्नमेंट द्वारा प्लस रघुराम राजन जी द्वारा कि अल्टीमेटली ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो अगर आप देख सकते हैं कि रुपी मूवमेंट तो डेफिनेटली डेप्रिशिएट हुआ है मगर वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं रहा. सो आपको याद होगा अगर आप 2008 को देखें तो 2008 में 39.27 था डॉलर रुपी जनवरी में एंड अगस्त 2008 में एकदम से 51 तक टच हो गया था, यानी कि 30% डेप्रिसिएशन हो गया था रुपी में.
सो 30% डिप्रेशन 8 महीने में, ये वॉलेटिलिटी है, ये मूवमेंट नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा गंदी वाली वॉलेटिलिटी है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि कई एक्सपोर्टर्स ने अपने आप को 5-5 साल के लिए हेज कर लिया था 40 के रेट पे या 41 के रेट पे, एंड अल्टीमेटली 40 या 41 के रेट पे आप हेज्ड हो गए एंड रेट चला गया 51, तो उनको नुकसान होने लग गया। सिमिलरली इंपोर्टर्स ने हेज कर दिया था 51 पे एंड वो डॉलर भी वापस 45 पे आ गया। तो यानी कि जब इतनी जल्दी वॉलेटिलिटी होती है तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, जो कि अब ऑफ लेट नहीं हुआ, पिछले 4-5 साल से ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रही, हाँ मूवमेंट रही। सो यानी कि अगर रुपी डेप्रिशिएट किया तो उसके कारण कोई नुकसान नहीं है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वाजिब भी है, ज़रूरी भी है रुपी डेप्रिशिएट होना, क्योंकि जहाँ पे चाइनीज युआन अगर डेप्रिशिएट हो रहा है एंड चाइना हमेशा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता रहता है, तो इंडियन रुपी को भी डेप्रिशिएट होना पड़ेगा। सो एक तो फैक्टर ये है कि हमें चाइनीज एक्सपोर्टर के साथ कंपटीशन दिखाने के लिए हमें अपना रुपी को थोड़ा डेप्रिशिएट करना पड़ेगा एंड होना भी चाहिए, मगर वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। सो वॉलेटिलिटी कम होने के लिए आरबीआई में ज़्यादा पावर होनी चाहिए, और आरबीआई में पावर का मतलब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, तभी वो बाइंग एंड सेलिंग को रोक सकता है डॉलर पी में। आई नो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, मगर मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर जो आप में से जो भी हमारे साथ MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या BBA MBA इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रुपी जो अभी डेप्रिशिएट हो रहा है वो 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला ये है कि चाइनीज युआन डेप्रिशिएट हो रहा है तो इंडियन रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है। दूसरा, US के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इंडिया ने अभी इंटरेस्ट रेट खास बढ़ाए नहीं है, तो इसके कारण भी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तीसरा, ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऑयल अगर बढ़ता है तो हमें ऑयल खरीदना होता है, ऑयल खरीदने के लिए हमें रुपी दे के डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर दे के फिर ऑयल खरीदना पड़ेगा, यानी हमें जब डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी तो हमें रुपी ज़्यादा पंप करने पड़ेंगे, जिसके कारण रुपी की वैल्यू कम होती है। सो इसलिए 3 फैक्टर्स के कारण मेजरली रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है का मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया, खराब हो गया। सो वाइल ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल जो कह रहे हैं जी रुपी 70 लग गया और ख़राब हो गया, इंडियन इकोनॉमी खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेजरली तो हमने ये इंश्योर करना है कि रुपी ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो, जो कि नहीं है। सो अगर धीरे धीरे करके रुपी अगर 70 जाता है और धीरे धीरे करके लेटर से 65 आता है, मगर ज़्यादा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को परेशान नहीं करता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर अपने आप को हेज कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली बेस्ट पार्ट यह है कि आरबीआई के पास अंदाजन $400 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि पहले नहीं होता था। सो $400 बिलियन के रिजर्व्स के कारण आरबीआई आराम से इंटरवीन कर पाता है और वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश कर पाता है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। एंड और भी कई चीज़ें बताने वाली, मगर मुझे लगता है कि ऑडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। एंड आई एम हैप्पी कि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि हमारे जो MBA पार्टिसिपेंट्स हैं, जो BBA MBA पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको समझ आ रहा है, एंड आई एम श्योर आपकी रिस्पेक्ट मार्केट में बढ़ रही होगी ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देते हुए। एंड आई होपफुली बिलीव कि आप ये फर्दर ऑडियो फर्दर और सर्कुलेट कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि अल्टीमेटली नॉलेज की कितनी वैल्यू है, एंड नॉलेज को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद वॉट एवर नॉलेज पॉसिबल जो मेरे पास है। और शायद मेरे को लगता है कि ये सारी नॉलेज के लिए PhD इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं 28 जुलाई 2018 को, मेरे को लगता है PhD में इस ऐसे सब्जेक्ट्स को और डेप्थ में पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा बढ़ता चला जाए। यानी कि जो लोग सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जुड़े, फिर उन्होंने फिर MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया, और या BBA MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया, तो अब जैसे 28 जुलाई 2018 में उन्हीं के लिए PhD इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्च हो रहा है, तो अच्छा इसी बहाने जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं होपफुली कोशिश करूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स को हम और डिटेल में कवर करें, जो PhD इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोग्राम इस बार जो लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योरसेल्फ, बाय जी, थैंक यू।